Pawan Kalyan Garu is a real leader. He is not only an actor. He is a great actor, no doubt in it. I am also a fan of Pawan Kalyan Garu. वो उनका मैंने तेलुगु पिक्चर देखा अत्तार इंटी की दारिडी, मजा आ गया पिक्चर देखने में. क्या एक्टिंग किया है, बहुत मजा आ गया. उसमें एक हिंदी गाना भी गाते हैं, हाथ में ऐसा कांडवा लेकर हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का. मैंने उनको पूछा पवन कल्याण गारू को कि ये गाना आपको किसने बताया, वो बोला ये गाना तो मुझे बचपन से याद है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई नो दिस सॉन्ग एंड आई लाइक दैट सॉन्ग. देन आई आस्क्ड हिम दैट डायरेक्टर टोल्ड यू टू सिंग दैट सॉन्ग और यू ओनली sung that song during shooting. He said that no, मैंने ही वो गाना उधर गाया. Why he is like that? Because Pawan Kalyan Garu is a nationalist leader. He is a nationalist leader. YCP, TDP, they don't have nationalist leaders. जो देश के लिए जनसेना में जय हिंद बोलते हैं. जनसेना एक ही पार्टी है जिसका जो प्रेस रिलीज है वो हिंदी भाषा में भी निकलता है. जनसेना एकमात्र पार्टी है जिसका प्रेस रिलीज इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु भाषा में निकलता है. टीडीपी का नहीं निकलता, वाईसीपी का नहीं निकलता, बिकॉज दे डोंट हैव नेशनलिज्म इन देम. जनसेना में नेशनलिज्म है, पवन कल्याण गारू में नेशनलिज्म है. पवन कल्याण गारू के आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ सपने हैं. He has some dreams about Andhra Pradesh. He wants to develop this state. And who will fulfill the dreams of Andhra Pradesh? Whether the dreams of Narendra Modi ji. Narendra Modi ji wants Andhra Pradesh, Bangar Andhra Rashtra. Pawan Kalyan Garu, Swamuvir Raju Garu wants Andhra Pradesh, Bangar Andhra Rashtra. And that is why this alliance, BJP Janasena Alliance, can make this state Bangar Andhra Rashtra, that is golden Andhra Pradesh.